और सत्ता में रहोगी तो कर्ज माफ करना पड़ेगा। अगर कर्ज माफ कर देते हैं तो क्या सरकार का समर्थन करेंगे? देखो ये तो बाद में बताएंगे, ये नहीं बताएंगे भैया, ये तो बाद में बोलेंगे। कर्ज माफ करें वो पहले। हाँ, अरे उद्योगपतियों को हजारों करोड़ माफ कर दिया है। एक दिन कह रही थी वो जो वित्त मंत्री है कि जो उद्योगपतियों का खाते एनपीए हो जाएंगे हम उनको भी कर्जा देंगे, जो एनपीए जो उद्योगपति नहीं पटा पाएंगे कर्ज उनको भी देंगे। और किसनता हो जाए 4000 सुई हवाला तो बंद कर दिया जाता है, खबाएगा कौन उन्हें। हम कह रहे सुनो हमें कुछ मत दो लेकिन हमारा खाना बंद कर दो। जो किसान पैदा करता है रोटी दाल सब्जी फल उसको कुछ मत खाओ, ट्रैक्टर खा लो, मोटरसाइकिल खा लो, कार खा लो, हवाई जहाज को खा लो, खाओ हमारा मत खाओ, हमारी मत सुनो। 2027 का यदि हमारी सुनोगे तो ही हम खाने देंगे 2027 तक। 2027 का क्या इरादा है, क्या अभी भाजपा को हराने का है या जिताने का? 2027 का किसान क्रांति दल की सरकार बनाने का है। हराने का नहीं है, किसानों की सरकार बनाने का है इरादा। किसी से डर नहीं है, किसी से भाषण कब नहीं जानते, कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं डाली, ईमानदारी से सारे धर्मों के लोग सारी जातियों के लोग लगेंगे, सरकार हमारी बनेगी, किसान क्रांति दल की बनेगी, बनाएंगे दिखाएंगे तुम्हें, लिख लो कागज पे। सरकार कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी आपके तार जुड़े हैं रिश्ते में, जुड़े ही तो क्या बात है, बड़ी आदमी है वो, सही काम करेंगे तो चलते रहेंगे, वो नहीं बना देंगे मुख्यमंत्री। और क्या है, मैं शेजा बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। आज हम मौजूद है ग्राम रामड़ा में, भानु प्रताप सिंह आप इधर आए हैं जिला शामली में, लंबा सफर किया है, कैसा कार्यक्रम लगा, कैसे लोग यहाँ के लगे? ऐसा है, ऐसे लोग लगे यहाँ के, इतने उत्साहित लोग लगे जैसे कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेहताब जंग नाम है, जंग तो हमने कहा जंग करते हैं क्या करते हैं, तो जंग तो ये इसलिए करते हैं, जितने इनके साथी थे वो जंग सी कर रहे थे, हुर, हुर, जालंग वालंग, तो इतना उत्साहित हुए हैं कि हमारी उम्र 10 साल बढ़ गई। हमने कह दिया है कि हर महीने एक प्रोग्राम करवाओ तो कम से कम 40-50 साल और हम जिंदे रहेंगे। अपने भाषण में कहा है कि जांच होनी चाहिए किसान लीडरों की। हाँ, हमने हम जीरो हैं, लेकिन जो जीरो थे वो आज करोड़पति हैं। हम सबको पता है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 90 में हमारे यहाँ गए थे तो हमारे पास 5 ट्रैक्टर थे, 200 घोड़ी थी, 150 भैंसें थी, 150 गायें थी, और इनके हम आए थे तो 1 भैंस थी और 2 बैल थे महेंद्र सिंह टिकैत के पास। हाँ, और अब हमें नहीं मालूम क्या क्या है, तो इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि यदि कोई कहता है कि हम बेईमान हैं तो सारे किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि 30 साल पहले इनके पास क्या था और 30 साल पहले इनके पास क्या था। हमारी संपत्ति अवैध पाई जाए तो पूरी संपत्ति पूरी जमीन जायदाद सरकार की हो, हम पूरा परिवार जेल में हो, और दूसरों की संपत्ति अवैध पाई जाए तो उनके साथ भी यही हो। आपने उन्हीं के जिले में जंग को ही क्यों चुना, यानी मेहताब जंग को ही उनके जिले में क्यों? इसलिए चुना है कि मेहताब जंग एक ईमानदार इंसान है, लड़ाकू इंसान है, हमको लड़ाकू और ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वाल्मीकि हो, जाटब हो, कोई भी बिरादरी के हो, जो ईमानदार होगा वो हमारे साथ रहेगा, जो ईमानदार नहीं होता है उसको निकाल के संगठन में से हम बाहर कर देते हैं। आपने कहा संजीव बालियान को हमने हराया है, हराया है हमने सपा को समर्थन दिया था और संजीव बाल भाजपा का विरोध किया था, इसी हार गए और 14 में 19 में हमने भाजपा का समर्थन दिया था लेकिन भाजपा ने कोई काम नहीं किया तो भाजपा का हमने विरोध किया है, हार गए। भाजपा तो कह रहे हम किसानों की बात करते हैं और जो है खातों में 6000 रुपए कौन सी बात करते हैं, हम कह रहे किसान आयोग का गठन कर दो, अभी न करोगे तो फिर अभी तो 238 आई है, अब तो 5500 पे लटक जाओगे। हरियाणा में तूने एमएसपी की गारंटी दे दी है, कौन सी एमएसपी हम तय करेंगे उसकी गारंटी लेंगे, एमएसपी सरकार की नहीं होगी, अब सरकार की एमएसपी तो 22 है, 22.5 है, हमारी एमएसपी होगी 50,000। हाँ,
तो क्या आप संसद में भी जाने का इरादा है? क्या बात है, क्या कोई बात, हमें कमजोरी है क्या कोई? क्या हम मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने वाले ही जा पाते हैं वहाँ? तुम जैसे हम भी जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, देखो एक इतनी मोटी, ये नहीं जा सकते, सब चले जाएंगे, जब जरूरत होगी संसद में भी जाएंगे। अरे हम भारत के नौजवान हैं और भारत के हम मतदाता हैं, हमारा मौलिक अधिकार है आंदोलन भी करना, चुनाव भी लड़ना, संसद में भी जाना, विधानसभा में भी जाना, सब जगह जाना, प्रधान भी बनना और प्रधानमंत्री भी बनना। क्या बात है, आप जंतर मंतर पे इस तरीके के आपने आंदोलन किया, सिंगू बॉर्डर पे भी आपने आंदोलन किया, सरकार जो किसानों का कर्ज है उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं, आप क्या मांग अभी उनसे कर रहे हैं? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि आपको किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा और सत्ता में रहोगे तो कर्ज माफ करना पड़ेगा। अगर कर्ज माफ कर देते हैं तो क्या सरकार का समर्थन करेंगे? देखो ये तो बाद में बताएंगे, ये नहीं बताएंगे भैया, ये तो बाद में बोलेंगे, कर्ज माफ करें वो पहले। हाँ, अरे उद्योगपतियों को हजारों करोड़ माफ कर दिया है। एक दिन कह रही थी वो जो वित्त मंत्री है कि जो उद्योगपतियों का खाते एनपीए हो जाएंगे हम उनको भी कर्जा देंगे, जो एनपीए जो उद्योगपति नहीं पटा पाएंगे कर्ज उनको भी देंगे, और किसंटा हो जाए 4000 सुई हवाला तो बंद कर दिया जाता है, खबाएगा कौन उन्हें। हम कह रहे सुनो हमें कुछ मत दो लेकिन हमारा खाना बंद कर दो, जो किसान पैदा करता है रोटी दाल सब्जी फल उसको कुछ मत खाओ, ट्रैक्टर खा लो, मोटरसाइकिल खा लो, कार खा लो, हवाई जहाज को खा लो, खाओ हमारा मत खाओ, हमारी मत सुनो। 2027 का यदि हमारी सुनोगे तो ही हम खाने देंगे 2027 तक। 2027 का क्या इरादा है, क्या भाजपा को हराने का है या जिताने का? 2027 का किसान क्रांति दल की सरकार बनाने का है, हराने का नहीं है, किसानों की सरकार बनाने का है इरादा। किसी से डर नहीं है, किसी से भाषण कब नहीं जानते, कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं डाली, ईमानदारी से सारे धर्मों के लोग सारी जातियों के लोग लगेंगे, सरकार हमारी बनेगी, किसान क्रांति दल की बनेगी, बनाएंगे दिखाएंगे तुम्हें, लिख लो कागज पे सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। यहाँ का जो इलाका है वो एक तरीके से बिजली विभाग के मामलों में शिकायत है कि यहाँ पर दबिश डाली जाती है। अभी अभी आए थे शामली में, एक वो है बजाज का, वो गन्ने की कीमत नहीं दे रहा, उसको कह रहे 15 सितंबर तक नदी तो ये मील बजाज का नहीं होगा, ये मील किसानों का होगा, ठीक है। और इनसे कहिए अभी हर महीने में हमारे यहाँ बुलाओ, बिजली की समस्या, जबकि मील की समस्या, गन्ना की समस्या और भू माफियाओं की समस्या, खनन माफियाओं की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, हमारा नाम है भानु, और जो हमारी नहीं मानता है। कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी आपके तार जुड़े हैं रिश्ते में, जुड़े ही तो क्या बात है, बढ़िया आदमी है वो, सही काम करेंगे तो चलते रहेंगे, वो नहीं बना देंगे मुख्यमंत्री। और क्या है, क्या खनन माफियों का बहुत ज्यादा यहाँ रोब है, दबदबा है, भानु प्रताप सिंह करेंगे क्या उनका? हम ये करेंगे, आज हम शामली में हैं, देखो कितने लोग हैं, हजारों लोगों के सामने हमारे भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों ने और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान चौधरी मेहताब जंग ने बताया है कि यहाँ खनन माफियाओं का बोलबाला है, खनन माफिया 10 बीघा का पट्टा लेते हैं और 100-200 बीघा पे कब्जा कर लेते हैं, किसान परेशान हो जाता है। मैं 16 तारीख को क्या दिन पड़ेगा, इसी 16 को और क्या, 16 तारीख को लखनऊ में माननीय मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव शासन है अब, और माननीय संजय प्रसाद जी जो प्रमुख सचिव हैं, उन दोनों से शामली के खनन माफिया जो कर रहे हैं उनकी शिकायत करूंगा, वो हमारे बड़े शासन के अधिकारी हैं और हम जो कहेंगे वो मानेंगे, और यहाँ जो जो खनन माफिया है लिख के उनका नाम तो मेरे व्हाट्सएप पर डालना, यदि खनन माफिया या तो खनन माफिया रहेंगे या भानु प्रताप रहेगा।
वो तो ओवरलोडिंग की बहुत ज्यादा समस्या है, ओवर देख लेंगे हम देखेंगे, हम देखेंगे सबको, हम देखेंगे। सरकार से डर नहीं लगता क्या? किसका? हमें किसी का डर नहीं लगता है, किसी का डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से बाहर कर दिया है। हम हैं भानु, भानु का प्रजावासी शब्द सूर्य होता है। वो भी कह रहे हैं हम भी खनन माफिया हैं। कौन खनन माफिया हो गए? चोरी, अरे चोरी कर रहे हो। हम हैं भानु, भानु का प्रजावासी सूर्य होता है, और जो सूर्य से टकराता है सूर्य उसको जला के फेंक देता है। हाँ, सत्यमेव जयते, बेईमानी नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी, चोर कभी जीत नहीं सकता। भानु सत्य है, जीतेगा।